सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा मॉड पैक। वैसे तो मॉड पैक के साथ साथ एक मैप है, क्योंकि जैसे आप इस वर्ल्ड को ओपन करोगे यहां पर आपको अलग अलग मॉड्स के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको मॉड भी कह सकते हैं। वैसे वो छोड़ो, इस मॉड का नाम है फ्री फायर एड ऑन, क्योंकि यहां पर आपको पूरा पूरा फ्री फायर का मजा मिलने वाला है। जैसे कि आपने फ्री फायर तो ऑब्वियसली खेला ही होगा, अगर नहीं खेला है तो खेल लो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, तो खेलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर स्पॉन हो गए, तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्रिएटर जो है इसका नाम वाम आ जाएगा। यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है तिरता, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे तो ग्रैंड मास्टर ही, आई थिंक सो, ग्रैंड मास्टर की पूरी रैंक की जो पिक्चर है वो लगी और क्रिएटर की यहाँ पे स्टैचू भी घूम रही है। तो गाइस, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है सिंपली, या तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो यानी कि मल्टीप्लेयर में खेल लो, या फिर सिंपली आप इसको सोलो में भी खेल सकते हो यानी कि सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। आपको किसी भी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरनेट भी रिक्वायर नहीं होगा। और तो और गाइस, यहाँ पे आपको स्मार्ट पैक में बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कस्टम व्हीकल्स मिल जाएंगी, कस्टम यहाँ पर आपको GUI मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मेरा पूरा जो कंट्रोल बार है वो पूरा का पूरा चेंज है, सब कुछ यहाँ पर आपको चेंज मिलने वाला है। और तो यहाँ पर आपको इवन कस्टम साउंड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको एकदम मस्त फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साउंड वगैरह आपको उनको चालू करना है या फिर स्टॉप करना है आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आप जैसे ही अपने माइनक्राफ्ट के अंदर जाओगे, सिंपली आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिख जाएगी जो कि अपने माइनक्राफ्ट के अंदर रहेगी देखने को, और ये फ्री फायर के अंदर भी रहती है। तो इसके अंदर सिग्नल आपके लिए आपको सिंपली एंटर कर देना है, एंटर। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैं एंटर हो चुका हूँ, और सिंपली आपको एक साउंड भी आई होगी माइनक्राफ्ट सॉरी फ्री फायर की, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हाँ हम ने फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अलग अलग मोड देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही साथ मोड है, और ये रहा क्लैश स्क्वाड, और ये कौन सा, लेट्स सी, ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो आपकी मर्जी। पर यहाँ पर हम क्लासिक शुरू करेंगे, और व्हाट इज़ दिस परगेटरी, हाँ तो हमको परगेटरी चालू करना है। और यहाँ पर हमारी लॉबी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे प्लेयर्स घूम रहे हैं, जैसे कि विलेजर्स हैं। पर यहाँ पर आप सोलो प्लेयर खेल रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपको सारे के सारे विलेजर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एज ऑलवेज लीडर बोर्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लोग ऊपर से जाते हैं, कूदते हैं, मतलब यही मजाक मस्ती टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो जिप लाइन, जैसे कि हम जिप लाइन से ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ से हम वापस से नीचे जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको पीछे थोड़ी बहुत आवाज़ें वगैरह भी आ रही होंगी, इसका मतलब कि ये है यहाँ पे आपको एकदम पूरी फ्री फायर वाली फील आने वाली है। और फाइनली अपना मैच स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हम एक प्लेन के अंदर आ रहे हैं, और प्लेन देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है भाई। अंदर आ जाए थे, तो यहाँ पे कुछ ग्लिच तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा मोबाइल ही लैग कर रहा है। जंप मास्टर नोवा वाइटी, इट मीन्स यहाँ पे अगर हमारी कोई स्क्वाड भी होती तो उसका जंप मास्टर मैं ही होता हूँ। यहाँ पे देखो अपने क्रिएटर का नाम वापस से लिखा आ चुका है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डोर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे आपको उतरने के लिए सिंपली इस माइनक्राफ्ट में राइड करना है, और सिंपली आपको नीचे कूद जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फ्री फायर का मैप, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे उतरना, सिंपली जैसे नॉर्मली आप माइनक्राफ्ट को छोड़ते हो वैसे ही छोड़ दो, तो यहाँ पे आप नीचे गिर जाओगे। और यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट्स ना, वो भी आपको रियलिस्टिक फ्री फायर वाले देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकेट है, जो कि एकदम फ्री फायर वाली फीलिंग दे रहा है। गोल्डन चेस्ट प्लेट, इसको हम इक्विप कर लेते हैं, और इसको मैंने इक्विप कर लिया, मैंने पहले से इक्विप क्या कर रखा था, इसको चेकआउट करना पड़ेगा। खैर, इन्वेंटरी मेन कैसे खुलेगी, या तो आपको इतनी सी इन्वेंटरी दे दी गई है, या तो आपकी मर्जी भाई, जो देखना है। देखो मैं इसको फेंक देता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड इन्वेंटरी है। और यहाँ पे आप देखो तो जो घर वगैरह ना, उनको भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से गिरा है। खैर, मैं क्या कर रहा था, मेरे को इन्वेंटरी अच्छे से दी गई है, फिर भी यहाँ पे बैग का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं वहाँ पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। यहाँ पे G18 है, और यहाँ पे मेडिकेट है एज ऑलवेज, थोड़े बहुत ग्रेनेड्स हैं, और गोल्डन हेलमेट भी इक्विप कर लेते हैं, और इनहेलर मैंने बाहर फेंक दिया आई थिंक सो। फिर भी हम इसको अपने इन्वेंटरी के अंदर ले लेंगे, और गेम बूस्ट खुल गया। खैर कोई नहीं, हम हेलमेट को भी इक्विप कर लेते हैं, और बाहर मालूम गाइस नॉर्मल बहुत सारे प्लेयर्स घूम रहे होंगे, जो कि हमारा वेट कर रहे हैं हमारे आने का, ताकि वो अपने को पेल दें, सिंपली सी बात है। बेसबॉल बैट वैसे ले लेते हैं यार, मिली डैमेज अच्छा देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अच्छे खासे ग्रेनेड्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इसको हम स्टैक नहीं कर सकते क्या, मेरे को लगा था स्टैक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। इनहेलर वगैरह आप ले सकते हो अगर आपकी हेल्थ कम हो जाए तो। अरे यार, ये बैप भी नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत चिढ़ मचती है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे हमारी गन को चला के देखते हैं। और यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट्स वगैरह ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। खैर, मेरे को लग रहा है मुझे कोई मार रहा है,
मैं यहाँ पे इनहेलर यूज कर लेता हूँ और मेरी हेल्थ बढ़ चुकी है। और ये मेरे को मार रहा था, आप समझाइए, अपनी गन से मेरे को मार रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेसबॉल बैट यूज करके इसका माथा ही फोड़ दिया। और यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन भी आया है, एडम किल्ड। और यहाँ पे आपको अलग अलग व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा काम की है। आप इनसे किसी को भी ठोक के मार सकते हो, आई थिंक सो, पर ये मरा नहीं और ये उल्टा मेरे को डैमेज दे रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी टाइप कुछ पड़ी है, मैं उसको भी लेके इनको मारता हूँ। भाई तो मेरे को क्यों मार रहा है, अभी तेरे को मार रहा तो अच्छा लगा क्या? भाई यार इसका डैमेज कम है, आई थिंक सो, ये मेरे को बल्ली से मारना पड़ेगा। और मेरे को अब यहाँ पे मेडिकेट भी यूज़ करना पड़ेगा। और वो जो बंदे को मैंने मारा वो मर चुका है। खैर यार इन्हें मेरे को लगता है पॉइजन इफेक्ट डाला दिया है, तभी मेरी हेल्थ बार बार जाया जा रही है। और यहाँ पे देखो भाई कितनी तगड़ी व्हीकल है। तो एक काम करते हैं, इनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकते हैं। और ये ग्रेनेड ही है ना, हाँ ग्रेनेड तो है भाई। फेंकेंगे कैसे इसको? अच्छा इसको यहाँ पे ऐसा प्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा, आई थिंक सो, लेट्स सी थोड़ा। अच्छा ये ग्लू वॉल है गाइस, ये ग्लू वॉल है, आप समझा मैं, ये ग्लू वॉल है तो ये आपका डैमेज वगैरह सहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वो उसको मार रहा है, पर एक टाइप से मेरे को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता हूँ और जैसे ही फेंका मेरी ग्लू वॉल भी टूट गई और मैं मर भी गया। और जिस बंदे ने मारा उसका नाम भी लिखा हुआ आ चुका था। तो यहाँ पे मैं अपनी वापस लॉबी में आ चुका हूँ गाइस। यहाँ पे आपको कस्टम इमोट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आपको इस मोड को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएंगे। और गाइस बात रही इंस्टॉलेशन की, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दिए जो कि मीडिया फायर की है, जहाँ से आप मॉड पैक को डाउनलोड कर सकते हो। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना, आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है बाय चांस तो डोंट वरी, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हो। बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स को इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और गाइस अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा ये मॉड तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको सिंपली उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली वर्ड सेक्शन में जैसे आप नॉर्मली वर्ड्स को ओपन करते हो तो जैसे वैसे ही आपको सिंपली वर्ड सेक्शन में आके अपने फ्री फायर वर्ल्ड को ओपन कर देना है और अपने मॉड के मजे लेने। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।